आज हम बनाएंगे कैलीफ्लावर फ्राई। लेकिन सबसे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। पहले हम पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून चना दाल, 1/2 टेबलस्पून राया, 1/2 टेबलस्पून उड़द दाल, 1/2 टेबलस्पून पुठाने, ये ऑप्शनल है, 2 कटे सूखे लाल मिर्च, थोड़े से करी पत्ते और 1 पिंच हींग एसाफटीडा। अब इस टेम्परिंग को 1 मिनट के लिए हम तलेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप बारीक कटे प्याज। प्याज को हम ट्रांसपेरेंट होने देंगे। यहाँ पर मैं सारा प्रोसेस मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ, बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि रस मल निकल जाए। अब इसमें डालेंगे 2 कप कैलीफ्लावर। मैंने कैलीफ्लावर को 1 ग्लास पानी में 2 मिनट के लिए उबाल कर रख लिया है। 1 चिटकी हल्दी और 1/2 टेबलस्पून नमक डालकर मैंने स्ट्रेन करके रख लिया है उबालने के बाद, ताकि इम्प्योरिटीज अगर हो तो निकल जाए। इस तरह से कवर करके चलाते हुए हम पका लेंगे बीच बीच में। अगर कैलीफ्लावर आसानी से कट जाए तो इसका मतलब ये पक चुका। अब हम 1/2 टेबलस्पून नमक डालेंगे। टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, ज़रूरत हो तो डालिए वरना नहीं नमक को। 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे और एक बार मिला लेंगे। अब लास्ट में 4 या 5 लहसुन की कलियाँ, थोड़े से धनिया पत्ता हम डालेंगे और फ्लेम को बंद कर लेंगे। बन गया हमारा वेरी सिंपल कैलीफ्लावर फ्राई। इस तरह से सर्व कर लेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू। बाय।